मेरे को कल अल्फा बोल रहा है कि लीगल एक्शन लेंगे मेरे भाई जो तूने झूठ बोला है ना ऑडियंस के सामने लीगल एक्शन मैं ले सकता हूँ तेरे अगेंस्ट पता है लीगल एक्शन किस बेसिस पर लेंगे मिसगाइडिंग ऑडियंस मेरे भाई तूने कितना मिसगाइड किया ना आज तक मिसगाइडिंग ऑडियंस <laughs> अच्छा तो उसके पास इसके प्रूफ होंगे ना अच्छे खासे कि तूने मिसगाइड किया अरे सुन ना कर भाई कर मैं तो बोल रहा हूँ कर नहीं पाएगा <laughs> लेकिन एक बात और एक बात और एक बार और अगर कोर्ट में हार गए ना, ना, तो ना सुन 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 ना सुनना अगर कोर्ट में हार गए ना मेरे भाई उसी दिन कोर्ट से बाहर निकल के थोड़ा मेरे पैरों पे नाक रगड़ के माफी मांग लेना समझ रहे हो तो सच्चाई बताना थोड़ी शुरू किया जाए बोलता पब्लिक अब भाई सुपरचार्ट करने है फिर से आएंगे अरे नहीं यार मेरे को पता है ना अभी जो चीज बताने वाले उसके बाद तो रिप्लाई नहीं आना मतलब कि ऐसी छोड़ो रुको दो मिनट रेडी तो करते मेरे भाई रेडी तो करते हैं, तो करते हैं। हाँ, हाँ। सबसे पहला झूठ ओके okay, सबसे पहला झूठ जो वो लोगों ने ढाई घंटे में बोला ठीक है क्या क्या कि मैंने उनकी सुपर चार्ट इग्नोर कर दी एंड मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया सुपर चार्ट करने से फर्स्ट थिंग मेरे भाई फर्स्ट थिंग अगर आप लोगों को यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा भी पता है ना आप किसी को भी या ब्लॉक करते हो ना उसके सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं ऊपर वाले है। तो इनके जो सुपर थे वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं अगर मैं उनको या वो करता टाइम आउट समझ करो और उनके सुपर चार्ट तो डिलीट हुए नहीं तो मतलब ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि मैंने उन्हें ब्लॉक किया सेकेंड थिंग अगर आप मेरा स्ट्रीम खोल कर देखो ना उन्होंने जितना जितनी बार सुपर चैट किया ना मैंने हर बार जो भी लिखा है उस हर चीज का रिप्लाई है किया लेकिन दस हजार लोगों को क्या लगा मैंने इग्नोर किया nice क्योंकि मेरे पास बोलने का कुछ नहीं था मेरे भाई मैं किस लिए नहीं किया वहां पे इसका एक रीजन है क्योंकि मेरे को पता था वो लोग मिलकर कुत्तों की तरह भोंकने वाले हैं वहां पर एंड सच दबा देंगे समझ हो डिवाइन गया था बोलने क्या हुआ था उसके साथ बोलने दिया गया उसको बोलने दिया गया क्या नहीं ना यही होता है मेरे भाई यही होता है वो है वो आवाज दबाते हैं भाई आज तक जितने भी लॉन्डे आए ना हाइड्रा में जिन्होंने अपने हक के लिए कुछ मांगा उन सबकी आवाज ही दबाई है आज तक मेरी नहीं दबापोगे लॉन्डो आपकी स्क्रीन पे कुछ चैट्स हैं किसी लॉन्डो के एक बंदे के बस पढ़ना इसे क्या लिखा हुआ है

मतलब यू नो एटीट्यूड देख रहेगा सामने से कि भाई मैं तेरे तो को ब्लॉक कर देगा ये वो कोई बात नहीं क्या पता इरिटेट किया है ना तब ऐसा बोल रहा बट 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 जानना तो चाहोगे ये है हमारे हाइड्रा हिटमैन ये एक बार ऑन स्ट्रीम ओवेज वगैरह को गाली दे रहे थे तो इनको जाके मैंने बोला भाई ये बच्चों दिन ना करो थोड़ा अपनी औकात में रहो जिसको तुम गाली दे रहे हो ना वो बंदा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्रूव कर चुका है पहले उसके बराबर बनो उसके बाद और रोने लग गए थे फिर तो मैंने बोला भाई रो मत रो मत रोने से कुछ नहीं होता ऑडियंस के सामने जाके रो रहे हो फालतूगा एंड उस टाइम ये बंदा लिटरली मेरे को बोला था कि ऐसे भाई है हमारे एंड जैसे ही मेरे से मतलब खत्म uh, छोड़ दिया हाइड्रा उसके बाद ये बंदा कैसे पलटा है ना वो भी आपको दिखाता हूं। मतलब यू नो पीपल दोगले लोग दिखाते हैं आपको दिखाते हैं अब आपको ये तो दिख गया कि ये बंदा कैसे रोडली इस बंदे से बात कर रहा है लेकिन ये बंदा है कौन जानना चाहोगे आगे वाली चार्ट देखो आगे वाली ये कोई हाँ ये एक लड़की है जिससे कि बात कर रहे हैं अभी ठीक है पहली बात आपको बताऊंगा और पीछे जो चैट हुई थी वो एक बंदे की थी ये उस लड़की के चैट्स के स्क्रीनशॉट है या बोलो हिटमैन सर या गंदी सी इमोजी क्या यू रियली फील आई मैं एन एनीवन जस्ट लाइक दैट ओके क्या तुम्हें ही लगता है कि मैं किसी को ऐसी मेंटोर करूंगा लाइक वॉट आई गेस आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट फॉर माई पोजिशन एंड स्टेटस राइट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो पोजिशन जो औदा है और जिस क्लैन में मैं हूं उसके लिए मुझे थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए वॉट क्लैन आर यू इन तुम कौन सी क्लैन में हो तो ये लड़की बोलती है यार श्योर यू डिजर्व भाई तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि तुम हाइड्रा क्लैन में हो एंड इज्जत के बदले ये लौंडा क्या मांगता है ना इससे वो आगे देखना इसने लड़की से बात स्टार्ट कैसे हुई थी वो इससे बोल रही थी कि ये मेरा स्नाइपिंग का एक मोन्टाज है ये आप देखो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना मेरे को कैसा है ये मोन्टाज ठीक है प्लीज आप ये देखो और बताओ कैसा है एक हेल्प करोगे मेरी तो ये लौंडा रिप्लाई करता है जैसे क्या वेट एंड इसने ये भेजा कि ये लड़की है एक गेमर गर्ल है इसका इसने अपनी स्नाइपिंग मॉन्टाज बनाया इसको भेजा कि ये देखो मेरा स्नाइपिंग मोनटाज एंड मेरी आप देख के बताओ कैसा है जस्ट बिकॉज आप किसी भी बंदे को मैंटोर करते हो तो आप चाहते हो कि वो आप जो अगर मेहनत से कुछ बनाते हो तो उस पर रिप्लाई करे ठीक है एंड ये देखो बिकॉज इट्स मैं डन एंड हंड्रेड के ये इनका वो है क्या कहते हैं फेस का वो बताना Honestly, only two girls have seen the real me so far. She's like Yeikamaunelag. And they equated the risk pretty good, so I knew they would never share my pics with anyone else. Please elaborate. Well, they gave me a nice private show. They gave you a nice private show, why? What does that mean? Uh-huh, what does that mean? they give you a nice private show you want me to do that the question is can you do that सवाल ये है कि क्या तुम वो कर सकती हो why would i not want you to do it you are this walking ball of hotness and maybe start dating soon मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम ये करो क्योंकि तुम एक हाँ वॉकिंग वॉल ऑफ हॉटनेस भाई ये आप समझ सकते हो खुद क्या बोलना चाहते हैं एंड मे स्टार्ट डेटिंग सुन आप जल्दी ही क्या कहते हैं डेट करने लगोगी आप इतनी हॉट हो है ना दैट्स हाउ यू टॉक टू गर्ल्स मेरे भाई क्या ऐसी इसी की वजह से बेटी और डायनो वगैरह को भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता लड़कियों का क्योंकि आज तक इन्होंने किसी लड़की की रिस्पेक्ट तो की है नहीं चलो ये तो कुछ नहीं अभी नेक्स्ट स्क्रीन देखोगे ना मेरे भाई देन यू रियलाइज कि काइंड काइंड ऑफ ऑफ मैन मैन दिस दिस गाय गाय इज इज एनीथिंग आर टॉकिंग अबाउट वेन डिड आई टॉक अबाउट एनीथिंग एट ऑल देख रहे हो मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा आई जस्ट वॉच यू टू वॉच आई जस्ट वॉन्टेड यू टू वॉच दैट वीडियो ठीक है ये बस चाहती थी लड़की कि तू मेरा वीडियो देख और तू इससे ये सारी बातें कर रहा है कि मैंने सिर्फ दो लड़कियों के साथ आज तक चीजें शेयर की है एंड उन्होंने भी इक्वल रिस्क लिया है तो वो मेरी चीजें शेयर नहीं करेंगी कभी एंड मैं चाहता हूँ तू बड़ी हॉट बंदी है एंड आई वुड लाइक इफ यू डू द सेम ऐसी बात करते हैं तू लड़कियों से एंड आई वॉज डिड राइट यस डेड अ फुल एनालिसिस टू इट्स जस्ट दैट आई ओनली हेल्प माई फ्रेंड्स अराउंड मैं सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करता हूँ हाइड्रा में सभी लोग सिर्फ यही करते हैं अपने दोस्तों की मदद करते हैं और किसी की नहीं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की मदद नहीं करते मेरे भाई ये कोई रैंडम इनसे आके ऐसे सपोर्ट मांगता है ना नहीं करते मैं करता था और ये चीज ना आप जाके मेरी पुरानी कम्युनिटी पोस्ट देख लो पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लो हर जगह मैंने रैंडम लोगों को जिनका कंटेंट मेरे को अच्छा लगा ना उनको शाउट आउट दिया है और अपने लॉन्डो को बोला कि जाओ इनका वीडियो देखो और वो गए उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और इसके हजार एग्जाम्पल दो तीन या हजार है डिड अ फुल एनालिसिस इट्स जस्ट दैट आई ओनली हेल्प माई फ्रेंड्स अराउंड आउट ऑफ विच नन ऑफ द माई गर्ल्स मैं सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करता हूं जिसमें से कोई भी लड़की नहीं है

अब मैं तेरे को शाउट आउट वगैरह दूंगा दिस इज वॉट हाइड्राइज इतने नीच लोग। एंड ये बात हुई हिटमैन की ठीक है ये जो चैट्स है ना मेरे भाई ये जो चैट्स है ये देखो कौन सी मीडिया का ये कौन सा ग्रुप है टीम हाइड्रा ऑफिशियल इसके अंदर एडमिन कौन है डायनामो पबजी एल्फा हाइड्रा मैं नंबर नहीं दिखा सकता आपको किसी का दिखाऊंगा नहीं और ये ग्रुप उन्हीं का है समझ रहे हो ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें से डायनेमो गेमिंग रिमूव ड्यू आ चुका है बहुत पहले अरे भाई यहां पे जब ये स्क्रीनशॉट्स आए थे ना ये स्क्रीनशॉट जब आए थे तब ये बात सबको पता थी डायनेमो तक को पता थी कि ये बंदा इतने घटिया तरीके से लड़कियों से बात कर रहा है एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग टू हिज हाइड्रा फैंस ज मिस यूजिंग हिज पार हिज जो ये बोल रहे हैं औदा रैंक हिज मिस यूजिंग इट एंड लड़कियों के साथ सोशली सोशल मीडिया पे यू नो हिज इज हेरासिंग दम एंड इसके अगेंस्ट जब मैं डायनो को बोला कि भाई तो उस बंदे को इमीजिएटली क्लैन से निकाल उसको उसकी औकात दिखा कि वो किसी भी लड़की से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता स्पेशली नाम लेकर कि वो एक हाइड्रा क्लैन का बंदा है और उसे ये यह मिलना चाहिए अबे तू हाइड्रा क्लैन का है तो तेरे को लड़कियों को मोलेस्ट करने का मिल गया ये कौन सी बात हुई भाई कौन सी बात हुई है तो एक हाइड्रा क्लैन का बंदा है तो यू कैन बी एनी बेस्ट एनी गर्ल आउट दू शर्व नहीं आ रही ये चीज बोलने में एक लड़की को अंधभक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी मेरे भाई जाके गूगल करना मैं इतना नीच नहीं हूं उन लोगों की तरह कि भाई ये मुंबई से है मादर अबे भाई लौड़े मुंबई से एक लोता तू ही मादर होगा समझा सारे मुंबई वाले नहीं है और दिल्ली से बैन चोर ना गाना है और दिल्ली से बैन च ना भुवन बाम का डायलॉग है लौड़ा और ये लो फर्स्ट चीज फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग ये हो गया मैं डायनो को वीसी में जाके बोला कि इस बंदे को इमीजिएटली क्लैन से निकाल इसके अगेंस्ट एक्शन ले डायनो क्या बोलता है छोड़ना भाई उसे जो करना है करे भाई वो तेरे क्लैन का नाम यूज कर रहा है लड़कियों को सोशल मीडिया पे मोलेस्ट कर रहा है एंड तू उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा क्यों उसको क्या पता है भाई तेरे बारे में ऐसा जो तू उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा तो वो तेरी गांड मार के रख सकता है बताना मेरे भाई एक बार उसको ऐसी क्या चीज है पता है मैं बताऊ मैं बताऊ क्या बेटा बहुत काली करतूत है तुम लोगों की सब कुछ बताने पर आ गए ना अगली बार मेरे को क्या बोल रहा था आज के बाद भाई देखते हैं कैसे आ पाएगा लाइव भाई मैं तो लाइव हूं हजार लोगों के सामने अपनी बात बता रहा हूं सच दिखा रहा हूं दुनिया को इसमें से जितने लोगों को सच समझना है वो समझ जाएंगे जितने लोगों को अभी भी अंधभक्ति करनी है वो अभी भी अंधभक्ति करेंगे लेकिन तेरी सच्चाई मैंने बता दी ना मेरे भाई अपने घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहेगा मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को जैसे मेट्रो में मास्क लगा के घूम रहे थे ना बेटा पूरा जिंदगी भर मास्क लगाना पड़ेगा अपने चेहरे पे और मैं तो ये सोचता हूँ प्लास्टिक सर्जरी करने की नौबत ना आ जाए <laughs> तो गैस दिस वाज़ द फर्स्ट पॉइंट ठीक और डिवाइन सर आप क्या करने गए थे उस दिन वहां पे जब मैंने आपको मना किया था मैंने आपको बोला था वो लोग ऑन स्ट्रीम सिर्फ झूठ और झूठ बोलने वाले हैं फिर भी आप उधर क्या करने गए थे तो बताओ थोड़ा हमको समझाओ एक मिनट तो स्ट्रीम ऑन कर दे, दे, दे मेरे पहले मेरे को बोल देना भाई मेरे मेरी स्ट्रीम चल रही है टेंशन ना ले तो हम्म hmm. हां भाई कम से कम मेरे को पट...

कहा से बोलना है बता स्टार्टिंग से बोलो तो मैं टीम से क्यों निकाला गया हाँ टीम से क्यों निकाला गया ना देख मैं बोलता हूँ क्या हुआ था जब आ, मतलब कनिका के मैटर में फाइजर पड़ गया तो कनिका ने कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको डायमो से बात करके इसको क्लाइंट से निकाल दिया ठीक है एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी

हम लोग कोई दिक्कत नहीं है अभी है? मेरे को एक बात And, बता इले सुन इले सुन इले सुन ये लोग क्या बोले तुम लोगों ने धोखा दिया हाइड्रा को मेरी बात सुन चुप हाँ। रहना चुप रहे चुप रहे चुप रह हाँ गाइज धोखा क्या होता है मेरे को एक बात बताओ धोखा का हिंदी में मतलब क्या होता है जब आप किसी से कुछ और बोलो और करो कुछ और है ना यही होता है ना धोखा डायनो को ये चीज बता दी गई थी कि हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन से अपना डिवाइस स्पॉन्सर करवाने के लिए क्योंकि आप हमें डिवाइस नहीं दे रहे हो वो लोग से ले रहे हैं ताकि हम एक टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर पाए इसके बाद अगर आपको हम पे ट्रस्ट हो जाए जो कि आपको नहीं है मेरे पे तब अगर आपका मन करे तो आप हमें तब सपोर्ट कर सकते हैं यही बात है डिवाइन की नहीं है पता यही है बता? यही हम लोग उसको बोले थे ठीक है ठीक है उसको क्या करना पता उसने क्लियरली क्या बोला था मैं तो बोलता उसने जब मैंने बोला कि तू तेरे से कुछ होगा कि नहीं होगा हम लोग उसको होल्ड पे रखे थे कॉन्ट्रैक्ट को हमने होल्ड पे रखा हुआ था ठीक है हमने इसको सब कुछ बोला था क्लिर, सब कुछ क्लियरली बोला एंड उसको मैंने बोला था कि ये तो, सब हम लोग साइड में रखा है अगर तू तो हेल्प कर देगा हम लोग की देन हम लोग इसको वहीं पे बना कर देंगे मुंह पे ठीक है हम लोग को नहीं चाहिए ये सब चीज तो अगर सपोर्ट करे तो ठीक है उसने लिटरली टिल द लास्ट डे

फाइनल्स क्वालिफाई करना मेरे भाई मजाक का बात नहीं होता किसी भी टूर्नामेंट का और इतने बड़े टूर्नामेंट का जहां पे ये वन टीम्स जो आप बोलते हो ना, उसके अगेंस्ट हम लोग भी पता नहीं मेरे को याद नहीं तो, तो ये लोग ने जब अपने चुप दो मिनट चुप रहे दो मिनट चुप रहे ये लोग ने जब अपने को प्रूफ कर दिया फाइनल तक क्वालिफाई करके उसके बाद जब ये डायनो के पास गए कि भाई अब तेरे को हम पे भरोसा हुआ कि अभी भी नहीं है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं फाइनल के लिए हम हाइड्रा का नाम ऊपर ले जा सकते हैं तब उस बंदे ने इसको क्या बोला कि हम तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे क्या करता है ये बताओ आप बताओ अरे मेरा सोच सुन, हाँ, मेरा, मेरा सुन, सुन सुन मेरा, मेरा, मेरा सोच मैं तो हाइड्रा छोड़ चुका था डेवाइन मेरे पास आया कि भाई मेरे को एक आईजीएल चाहिए तू आजा हमारी टीम में हम अच्छा कर सकते हैं

तुम्हारे टीम का नाम बढ़ाने के लिए तुम्हारी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं और तुम्हारी टीम का नाम और ऊपर कर रहा हूं छोड़ने के बाद दिस इज कॉल्ड रियल लॉयल्टी फॉर हाइड्रा मेरे भाई धोखा नहीं दिया मैंने टीम को मैंने छोड़ने के बाद भी अपने क्लान को सपोर्ट किया था क्योंकि हाइड्रा ई स्पोर्ट्स बनाया हमने हाइड्रा ई स्पोर्ट्स हमने बनाया मेरे भाई हाइड्रा क्लान वो लोगों ने बनाया बहुत बड़ा लेकिन उन लोगों को

ना डायनो ना गुरु कोई भी कोई भी मोबाइल पे शिफ्ट नहीं करता गुरु मैं आपको भी यार मैंने कितना सपोर्ट किया यार मोबाइल पे शिफ्ट करने के लिए उनको पता है डायनो को मैंने लिटरली टेक्स्ट कर कर के हजार बार बोला कि क्या कहते हैं कि तू मोबाइल पे शिफ्ट हो जा हाइड्रा का सारा हेट खत्म हो जाएगा अगर झूठ बोल रहा हूँ ना तो उन लोगों को बोलना कि अपने दिल पे हाथ रख कर एक बार बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ अभी और इन सारी चीजों का ना प्रूफ दे सकता हूँ तुम लोगों को मजाक नहीं आज की डेट में सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है हजार दिखा सकता हूं तो मैं अभी जैसे हिटमैन के दिखाए थे सब कुछ सच है सच बात यह है ना कि डायनो के अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता दिस इज अ फैक्ट पीठ पीछे मेरे को, मेरे को ना लाइक बैक पे पता है सब रियलिटी कौन किसको सपोर्ट करता है सब पता है लेकिन स्ट्रीम पे मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि किसी को पंगा नहीं लेना समझ रहे हो कोई भी 1.2 के डिसलाइक फालतू तो के ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने चैनल पे मैं 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 खुद मेरे भाई आप मेरे पुरानी स्ट्रीम देखो पांच पांच डिसलाइक भाई जब चार हजार लाइक्स होते थे ना तब पांच डिसलाइक आते थे, थे मेरे चैनल पे और आज वही वन के लाइक्स और वन के डिसलाइक चल रहा है Love me, me, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.